हाय, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग एक्सपर्ट। माई सेल्फ महेश कुमार कुमाउत। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। और आज की वीडियो में अपन सीखेंगे फॉर लूप क्या होता है और उसका सिंटैक्स क्या होता है और फॉर लूप का अपने को कहां पर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक्सकोड पे क्लिक कीजिए, फाइल पे जाइए, न्यू पर जाइए, देन एक प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट कर लीजिए, प्लेटफॉर्म आईओ सेलेक्ट कर लीजिए और एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लीजिए। फॉर लूप अपन सीखने जा रहे हैं तो इसका नाम दे देते हैं फाइल का अपन फॉर लूप, देन इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो ये देखिए अपनी एक प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट हो चुकी है। और अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप क्या होता है देखते हैं। हम लूप का कब यूज़ करते हैं? जब हमें सेम कोड मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना होता है। जैसे एक क्लास के 50 स्टूडेंट है, उनका रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे? फॉर लूप का यूज़ करेंगे या व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। अपने को मल्टीपल रिकॉर्ड प्रोसेस करने होते हैं तो उस टाइम पे अपन लूप का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के सेंटेक्स से। तो सबसे पहले आएगा आपका फॉर, देन वेरिएबल का नेम, देन इन कीवर्ड। जैसे मुझे अगर मान लीजिए काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 to 10 तक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 ... 10। तो ये क्या करेगा? 0 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर देगा और आप इसके बाद में ब्रैकेट लगा सकते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, देन प्रिंट करवा दीजिए आप आई को। तो आपका क्या होगा? यहाँ पे 0 to 10 तक लूप चल जाएगा और ये आपका 11 टाइम्स लूप चला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिबग एरिया के अंदर 0 to 10 तक प्रिंट हो गया। अगर अब आप चाहते हो कि मेरा लूप है वो 1 से चले तो यहाँ पे 1 दे दीजिए। तो ये क्या होगा? 1 to 10 प्रिंट करवा देगा। तो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर इटरेशंस परफॉर्म हुए हैं। कितने बार इटरेशन परफॉर्म हुए हैं? 10 टाइम्स परफॉर्म हुए हैं। इधर अगर आप राइट साइड में देख रहे हो तो यहाँ पे 10 टाइम्स इटरेशंस परफॉर्म हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स सेम ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है। जब हमें सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम लूप का यूज़ करते हैं। तो वो वहाँ पे आप चाहे से फॉर लूप यूज़ कर सकते हो और व्हाइल लूप भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी सूटेबल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं वैसे अगर मैं फॉर लूप का यूज़ नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता? प्रिंट 1, प्रिंट 2, तो ऐसे क्या करना पड़ता? 10 बार मेरे को प्रिंट लिखना पड़ता और मल्टीपल टाइम्स, जैसे प्रिंट 2, प्रिंट 3। लेकिन ये हो सकता है कि 1000 टाइम्स अगर अपने को सेम कोड पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तब हम क्या करेंगे? तो 3-4 थे अपन ने लिख लिया, लेकिन जब अपने को मल्टीपल टाइम्स अगर कोड लिखना हो 1000 टाइम्स तो अपन ये से बार बार थोड़ी लिखेंगे। तो ये क्या होगा कि अपनी कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अपन बोले तो अगर काफ़ी मतलब नंबर ऑफ लाइंस कोड हो जाएगा तो वो मैनेजेबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? फॉर लूप का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइप से रेंज ऑपरेटर का यूज़ करके ये जो 3 डॉट्स है वो रेंज डिफाइन करती है कि किस रेंज के अंदर आपको इटरेशंस परफॉर्म करवाने। जैसे अगर मैं 5 to 10 कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो इटरेशंस आएंगे, जो प्रिंट होगा वो होगा 5 to 10, 5, 6, 7, 9, 8, 10। ठीक है, तो ये तो था अपना फॉर लूप विद रेंज। ये तो था अपना फॉर लूप विद रेंज। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में फॉर इन लूप। फॉर इन लूप के लिए अपन एक एरे बना लेते हैं। तो लेट एरे लैंग्वेजेस इक्वल टू अपन ले लेते हैं जैसे सी लैंग्वेज, जावा, सी लैंग्वेज, जावा और पाइथन। स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी। तो जैसे अपन ने ये लैंग्वेजेस का एक एरे लिया है तो अपन इसको क्या करते हैं? फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं फॉर इन लूप का इम्प्लीमेंटेशन। फॉर लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज कहाँ से मिलेगी अपने को? इन एरे लैंग्वेजेस।
तो ये जो लैंग्वेजेस का एरे है उसमें से एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, लैंग्वेज में आएगा हर इटरेशन के लिए, और उसके बाद में ये क्या कर देंगे अपन, प्रिंट करवा देते हैं उस जो भी अपनी लैंग्वेज इसमें आ रही है उसको, प्रिंट लैंग्वेज। ये जो फॉरिन लूप होता है वो क्या करता है, जब भी कोई इटरेशन परफॉर्म होता है तो उसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर वेरिएबल में असाइन कर देता है, तो ये चलता है राइट टू लेफ्ट। फॉरिन लूप स्टार्ट हुआ एरे लैंग्वेज में, पहले सी आई तो सी किस में आ गई, लैंग्वेज के अंदर आ गई और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन दूसरा ऑप्शन आया आपके पास में सेकेंड इटरेशन में जावा लैंग्वेज का, जावा लैंग्वेज एरे में से उठ के आपके लैंग्वेज के वेरिएबल में आई, देन प्रिंट हुआ आपका जावा। इस टाइप से ये सारे इटरेशन परफॉर्म होंगे और ये वैल्यूज इस एरे की प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप, सी प्रिंट हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, स्विफ्ट हो गया और ऑब्जेक्टिव सी हो गया। तो ये था अपना फॉरिन लूप, और अब अपन देखते हैं कि फॉरिन लूप विद वेयर क्लॉज। तो फॉरिन लूप का जब हम यूज करते हैं, फॉरिन लूप विद वेयर क्लॉज, फॉरिन लूप का वेयर कंडीशन के साथ में कैसे हम यूज करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर लैंग्वेज इन एरे लैंग्वेजेस, किसमें से लेंगे, लैंग्वेजेस में, वेयर लैंग्वेज नॉट इक्वल टू क्या हो, जैसे अगर मान लीजिए मेरे को जो लैंग्वेज है वो पाइथन वाली जब आए तो ये लूप नहीं चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, कंडीशन में डाल देता हूँ कि जब पाइथन हो तब ये इस लूप के अंदर नहीं जाए। ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बैटरी ही रहेगा। अब इसको आप लैंग्वेज जो है वो प्रिंट करवा दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि पाइथन इसमें प्रिंट होती है कि नहीं होती है। तो आप देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज प्रिंट हो गई, जावा हो गई और आपके स्विफ्ट हो गई और ऑब्जेक्टिव सी प्रिंट हो गई, लेकिन जब पाइथन आई है तो इसने पाइथन प्रिंट नहीं करवाया। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि फॉरिन लूप के अंदर कैसे अपन वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि अगर मैंने कंडीशन लगाई कि वेयर लैंग्वेज नॉट इक्वल टू पाइथन, जब एरे के अंदर अगर पाइथन मिलती है तो ये लूप उस टाइम पे नहीं चले। तो ये उस टाइम पे इसके अंदर नहीं गया फॉर लूप के अंदर, और उसको स्किप कर दिया और उसके अलावा जो भी लैंग्वेजेस थी उनको प्रिंट करवा दिया। और इसके अंदर अपन ने देखा कि जो फॉर लूप है वो रेंज ऑपरेटर के साथ में कैसे यूज किया जाता है, देन फॉरिन लूप के थ्रू कैसे एरे को पार्स करते हैं, और उसके अलावा अपन फॉरिन लूप के साथ में कैसे वेयर कंडीशन लगाते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को, जो iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।